राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी जुलाई में, उसको लेकर के ये तय हुआ था कि हर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है इसको अपने ढंग से ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए इम्प्लीमेंट करेगी। तो मुझे ये लगता है कि दूसरी वर्षगांठ जो है इसकी वाराणसी में मनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और अभी तीसरी वर्षगांठ जो है वो दिल्ली में UGC और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और जिसमें सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति थे। तो उसके एज ए फॉलो ऑफ दैट ये तय हुआ था कि हर रीजन वाइज जो है इस तरह की कार्यशालाएं होंगी, और मुझे जो है पहले 4 स्टेट्स का चेयरमैन भी बनाया था, और अभी हाल ही में जो नॉर्थ जोन कमेटी बनी है उसका मेंबर बनाया है, और हिमाचल में कैसे इम्प्लीमेंट हो उसका चेयरमैन भी मुझे बनाया गया है। उसके नाते अभी चंडीगढ़ में लगभग 190 वाइस चांसलर्स और इंस्टीट्यूशंस जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था नॉर्थ जोन के, और काफ़ी सार्थक चर्चा हुई। मुझे लगता है कि अब चर्चा का समय नहीं है, इसको इम्प्लीमेंटेशन जो गैप्स हैं गैप्स को कैसे पूरा हो। वहाँ पर 10 सेशन जो हैं थीमेटिक एरियाज लिए गए थे, इसको कैसे इम्प्लीमेंट हो। एक थीमेटिक एरियाज भारतीय ज्ञान परंपरा इंडियन नॉलेज सिस्टम को लेकर के मैंने सेशन चेयर किया था, और ओपन सेशन में भी वहाँ पर जितने भी वो थे, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय का सक्सेस मॉडल वहाँ पर दिखाया गया था, हमने किस तरह से पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में लीड ली है। क्योंकि ओवरनाइट अगर मैं ये समझूं कि हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है वो कहना बहुत कठिन होगा। बहुत रास्ता आगे, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत बड़ा रास्ता है इसको इम्प्लीमेंट पूरी तरह से करने का। अगर मैं ये कहूँ कि केवल मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इम्प्लीमेंट करने से ही हमारा काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें हमने हालांकि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के तहत, होलिस्टिक डेवलपमेंट के तहत, भारतीय ज्ञान परंपरा का 2 क्रेडिट का 4 क्रेडिट का किस तरह से हर विषय में समावेश हो उसका भी हमने ध्यान रखा है, और इंटर डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी और रिसर्च का कैसे समावेश हो उस चीज़ का हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ध्यान रखा है। लेकिन अभी हाल ही में जिस तरह से यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने लगातार कई तरह की नोटिफिकेशंस, मैं अगर बात करता हूँ इंटरनेशनलाइजेशन की, तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनलाइजेशन में अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भी ये अलाउ किया है कि जो अच्छे, जैसे हमारा A+ है और A++ है, इस तरह के अच्छे संस्थान जो हैं वो अपने कैंपस बाहर खोलें या बाहर के कैंपस जो हैं हम यहाँ पर खोल सकते हैं इंटरनेशनलाइजेशन। उसके तहत हमने पीछे MOUs भी साइन किया, मैं खुद भी अभी ताइवान गया था, कुछ कंट्रीज़ गया था, वहाँ पर जा करके MOU भी साइन कर करके आया हूँ। एक अच्छा कदम है, और मैं ये भी चाहता हूँ कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी हमारे पास यहाँ पर आएंगे आगे आने वाले वर्षों में। दूसरा, हमने एक जो इम्प्लीमेंट किया है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एक ऐसी स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, जिसका एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, मान लीजिए किसी का 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, उस तरह की क्वालिफिकेशन PhD नहीं है, तो उनका एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया जाए, तो वो भी हमने यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया है, और आगे आने वाले समय में कुछ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इस तरह के हम भरने जा रहे हैं। और तीसरा, हमने जो एक बास्केट बनाई थी मल्टी डिसिप्लिनरी के लिए, वैल्यू एडिट के लिए, वैल्यू एनहांसमेंट कैसे हो बच्चे की, अपने सब्जेक्ट में वैल्यू एनहांसमेंट कैसे हो, और अन्यथा मान लो फिजिक्स वाला विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है और वैल्यू एडिशन के रूप में किस तरह से वो ऑप्ट कर सकता है। तो एक बहुत अच्छा जो डिसीजन था अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कि जॉइंट डिग्री और ड्यूअल डिग्री, वो भी हमने अडॉप्ट कर लिया है, यानी कि आने वाले समय में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और यहाँ पर भी हम कुछ एक इंस्टीट्यूशंस के साथ हम MOU साइन करने जा रहे हैं जॉइंट डिग्री और ड्यूअल डिग्री के लिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम ऑनलाइन कोर्सेज का हमने डिसीजन ले लिया, ऑनलाइन कोर्सेज का अप्लाई कर दिया है, ऑनलाइन कोर्सेज मिलते ही हम ऑनलाइन कोर्सेज 7 जो है हमने डिसीजन लिया है शुरू करेंगे, और उसके तहत ही इस तरह का जो जॉइंट डिग्री है, देखिए कितनी अच्छी सुविधा है। एक विद्यार्थी MA कर रहा है, दूसरी MA साथ ही कर सकता है, अगर उसके पास कैपेसिटी है, इस तरह का प्रोविज़न है, वो ऑफलाइन ऑफलाइन भी कर सकता है, ऑफलाइन ऑनलाइन भी कर सकता है, ऑनलाइन ऑनलाइन भी कर सकता है। इसी तरह का प्रावधान हम भी कर रहे हैं कि हर विद्यार्थी की वैल्यू एनहांस्ड हो एम्प्लॉयबिलिटी की दृष्टि से, एंटरप्रेन्योरशिप की दृष्टि से। तो इस तरह के बहुत से कदम हैं जो हमने अडॉप्ट भी किए हैं, और आने वाले समय में हम इसमें लेंगे भी। मैं ये समझता हूँ कि चैलेंजेस तो है ही हैं, कोई भी हम नई चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं उसका चैलेंजेस तो साथ लेकर के आते हैं, और चैलेंजेस को मीट आउट करना भी हमारा ही काम है। लेकिन अगर आप ये समझो कि कितने साल लगेंगे, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये 40 तक इम्प्लीमेंट करनी है, 2040 तक, तो अभी आगे हमारे पास समय है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना पड़ेगा।
जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात करता हूँ, राष्ट्र केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करूँ, केंद्रीय विश्वविद्यालय ने में हमने काफ़ी उसका पोर्शन इंप्लीमेंट कर दिया है। जहाँ तक स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात है, क्योंकि मेरे एडिशनल चार्ज है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का भी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एफिलेटेड कॉलेजेज हैं, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आई थी तब, पर मुझे उम्मीद है वहाँ पर भी हमने एक खाका तैयार कर लिया और अगले अकादमिक सत्र से वहाँ पर भी और कॉलेज में भी पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से रिपजित निपी की रिपोर्ट।